नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में बच्चों की मनपसंद मैक्रोनी बनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने दो प्याज, जिनको मैंने चॉप किया है, टमाटर एक, थोड़ी सी पीली शिमला मिर्च, थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च, एक हरी शिमला मिर्च। अगर आपके पास लाल और पीली नहीं है तो आप हरी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा प्याज के पत्ते, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा लहसुन जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, 1 कप मैक्रोनी, बेजिल, ऑरिगेनो, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर चिली फ्लेक्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नमक, और इसको बनाने के लिए जैतून ऑयल। और मेरे पास पहले से ही थोड़ी सी मैक्रोनी उबली हुई पड़ी थी, मैंने उसको भी लिया है। इसको मैंने एक बार पानी में से निकाल लिया। चलिए देखते हैं कैसे बनानी है मैक्रोनी। ये मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए पानी ले लिया है, गैस ऑन करेंगे, इसमें बॉयल आने देंगे। हमारे इस पानी में बॉयल आ गया, अब हम इसको डाल देंगे मैक्रोनी को। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे तरह से मिक्स करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते हुए पकाएंगे। अगर इसको हिलाएंगे नहीं तो ये चिपक जाएगी। ये हमारे मैक्रोनी पक गई है। मैक्रोनी जब पक जाएगी तो वो अपने आप ही पता लग जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। मैक्रोनी को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो वो टूटने लगेगी। अगर ज़्यादा पक जाती है तो उसको ठंडे पानी के नीचे रख दें। अब इसको हम छान लेंगे। अगर ज्यादा पक जाए तो उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें, इस तरह से। अब हमने मैक्रोनी बनाने के लिए पैन रख दिया है, गैस ऑन करेंगे। ऑयल डालेंगे, दो टेबलस्पून, अब इसमें हम गार्लिक डालेंगे, अनियन डालेंगे, थोड़ा
इस वक्त गैस को मैंने फुल पे रखा हुआ है। लाल पीली हरी शिमला मिर्च डालेंगे। सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसको हमने क्रंची रहने तक थोड़ा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक को बड़े ध्यान से डालना क्योंकि हमने नमक जो है पहले उबालते वक्त भी डाला हुआ है, इसलिए नमक को थोड़ा देख के डालें। लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार। बेसिल ऑर्गेनो ये मेरी रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली है और ये छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को बड़े ध्यान से इसको मिक्स करना है, टूटे ना।
मैक्रोनी को मैंने 2-4 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाया मीडियम गैस पे। ये हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। हम गैस ऑफ करेंगे। हरे प्याज के पत्ते डाल के मिक्स करेंगे। बस मैक्रोनी बनाते वक्त एक ही बात का ध्यान रखना है, जब हम इसको उबालेंगे तो बस ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने पे पता लग जाता है भी ये पक गई है। और अगर ज़्यादा पक जाती है तो इसको ठंडे पानी के नीचे से रख दें, और पानी इसमें इतना ही डालें जो जिसमें मैक्रोनी जो है वो डूब जाए। बस अब इसको हम सर्व करेंगे। ये हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है, जिसको मैंने सर्व कर दिया है। और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है ये। बच्चों को ये और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।